नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए फ्रेश एपिसोड में, जहां पे हम बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं यहां टॉप 5 ऐसे फोन, दमदार फोन जो कि 10,000 रुपए के सेगमेंट में मिलता है। तो यहां पे पहले मैं आपको बता दूं कि थैंक यू सो मच, आप लोगों का ट्रिमेंडस सपोर्ट हमें मिल रहा है हमारी इस न्यू जर्नी में और आपको हमारे सारे के सारे कंटेंट भी पसंद आ रहे हैं। ऐसी वीडियो को शेयर करते रहिए। अब यहां टॉप 5 फोन जो हमने चूज किया अंडर 10,000 बहुत ही डिफिकल्ट था हमारे लिए, लिटरली बताता हूं, बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि जीएसटी का यहां पर एक हाइक आ चुका है, 12-18% हो चुका है। 10,000 वाले फोन 12-13,000 पहुंच चुके हैं, 15,000 वाले फोन 17-18,000 पहुंच चुके हैं, सबका प्राइस इधर का उधर हो चुका है। तो बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए यहां पर आपके लिए ऐसे 5 फोन्स ढूंढ करके लाने के लिए जो कि 10,000 तक के यहां पे प्राइस सेगमेंट में है। एग्जैक्टली 10,000 नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यहां थोड़े बहुत डिस्काउंट वगैरह मिला करके 10,000 में आपको मिल जाएगा। आप यहां 2-500 रुपए ऊपर नीचे आप जोड़ सकते हैं, बट यहां पे हमने पूरी कोशिश की है कि आपको वैल्यू फॉर मनी और एक प्रॉपर यहां पे प्रोडक्ट टॉप 5 लिस्टिंग दे। साथ में यहां पर आपको कुछ बोनस मोबाइल के बारे में भी हम बताएंगे कि यहां पर इसके अलावा 5 फोन्स के अलावा आप कौन कौन सा यहां पे आप कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे 5वें नंबर पे जो यहां पे पहला जो फोन आता है वो आता है मोटो G8 पावर लाइट। जी हां, यहां पे P35 का आपको प्रोसेसर मिल जाता है। अगर हम बात करें तो 5000 mAh की बैटरी और सबसे अच्छी चीज इसमें जो है कि आपको ट्रिपल यहां पर कैमरा देखने को मिल जाता है, 16+2+2 मेगापिक्सल का। और वहीं फ्रंट में अगर बात करें तो 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिलता है। अगर 35 प्रोसेसर की बात करें तो डिसेंट सा प्रोसेसर है, मोटोरोला का भरोसा है और यहां पे डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी भी आपको यहां पे ठीक ठाक मिल जाता है प्राइसिंग के हिसाब से। तो डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, 9,000 रुपए में 1 रुपए कम इसकी प्राइस है, डेफिनेटली इसे आप कंसीडर कीजिए। नंबर 4 के पायदान पे यहां पर है Realme C3। जी हां, Realme C3 डेफिनेटली यहां पर जो प्राइस सेगमेंट पे है यहां पे Realme Narzo तक को बीट कर रहा है प्राइसिंग के साथ जो ये निकला है। और ये फोन का जो डिमांड है मार्केट में आज के वक्त में भी, अगर हम बात करें 10,000 रुपीज के अंडर में ये फोन वैल्यू फॉर मनी रहेगा, ये एड करेगा मोर वैल्यू आपके प्राइस को। यहां पर अगर हम बात करें तो इसका प्राइस है यहां पे 9,000 रुपए, जहां पे आपको मिलता है 4+64 GB का रैम वाला वेरियंट। यहां पे HD+ का डिस्प्ले आपको मिलेगा, 12+2 मेगापिक्सल का कैमरा, फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और अगर हम बात करें तो हीलियो का G70 का प्रोसेसर मिलेगा जो कि आपको गेमिंग में भी यहां पे बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस देगा। प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छा आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिलने वाला है। पबजी लवर्स अगर हैं, पबजी खेलना पसंद करते हैं तो ये फोन मेरी तरफ से रेकमेंडेड रहेगा नंबर 4 पे। नंबर 3 की पायदान पे यहां पर जो हमारे पास फोन है ये है Realme का 5S। ये भी बहुत ही दमदार फोन है। अगर बात करें यहां पे 5000 mAh की बैटरी आपको मिलती है, 48+8+2 मेगापिक्सल का यहां पे सेटअप मिलता है, क्वाड कैमरा सेटअप +2 और यहां पे जोड़ लीजिए। फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का यहां पर आपको मिलता है कैमरा सेल्फी लवर्स के लिए। वहीं अगर बात करें तो फिर यहां पे HD+ मिनी ड्रॉप वाला आपको यहां पर मिल जाएगा डिजाइन और Qualcomm Snapdragon का 665 का प्रोसेसर आपको मिलेगा जो कि एक बहुत ही दमदार इस फोन को बनाता है। और इस प्राइस सेगमेंट पर अगर हम बात करें यहां पे 10,000 से थोड़ा ऊपर प्राइस है, लेकिन यहां थोड़ा डिस्काउंट्स वगैरह ऐड करके आप यहां पर इस फोन को और वैल्यूएबल बनाता है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं यहां पे 10,000 रुपए तक के प्राइस सेगमेंट में। ऑलरेडी मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा यहां पे, लेकिन आप इसे डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं, काफी बेहतर फोन है। दूसरे नंबर की अगर फोन की बात करें तो यहां पर आपको मिलता है Realme की तरफ से Realme 5। आप यहां पे कंसीडर कर सकते हैं यहां पे 10,000 तक के प्राइस सेगमेंट में। ये भी फोन काफी अच्छा है, इसमें भी आपको चिपसेट मिलता है Qualcomm Snapdragon का 665 का प्रोसेसर यहां पे मिलता है, 5000 mAh की बैटरी। अगर हम बात करें यहां पर 4+64 GB वाला वेरियंट, HD+ का डिस्प्ले आपको मिलता है यहां पे और Adreno 610 जो कि फिलहाल के लिए मैं बताऊंगा कि गेमिंग परफॉर्मेंस हो या फिर अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहां Realme 5 भी आपको कहीं पर भी निराश नहीं करेगा। काफी अच्छा फोन है, कैमरा भी यहां पे डिसेंट आपको मिलता है और बैटरी बैकअप भी अच्छा खासा मिल जाएगा, तो डेफिनेटली इस फोन को भी आप कंसीडर कर सकते हैं यहां पे। वहीं नंबर 1 फोन की अगर हम बात करें, गेस कीजिए थोड़ा, आप बताइए कमेंट सेक्शन में और यहां पे कुछ बोनस फोन के बारे में बताऊंगा, तब तक आप कमेंट कर दीजिए यहां पे, देखते हैं कि सही होता है या नहीं आपके कमेंट और हमारे यहां पर गेसिंग दोनों, देखते हैं। तो नंबर 1 की अगर हम बात करें यहां पर, तो नंबर 1 पे यहां पर जो फोन है वो है Redmi Note 7 Pro। जी हां, Redmi Note 7 Pro डेफिनेटली यहां पे आप कंसीडर आज के वक्त में भी कर सकते हैं ग्लास डिजाइन के साथ और यहां पर आपको 675 का प्रोसेसर मिलता है।
काफी डिसेंट सा फोन है Redmi Note 7 Pro। यहाँ पे कैमरा का परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छा मिलता है, और ऑनेस्टली बताओ तो मैं खुद यहाँ पर मेरे घर पे भी यूज कर रहे हैं Note 7 Pro, काफी दमदार परफॉर्मेंस मिल रहा है 675 का। रेगुलरली अपडेट्स भी यहाँ पे पुश किए जा रहे हैं, कैमरा भी काफी अच्छा है, गेमिंग में भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। वहीं कैमरा की अगर बात करें तो 48+5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ सेटअप मिलता है। वहीं अगर बात करें तो कैमरा का यहाँ पे अपर्चर भी काफी अच्छा है, 1.79, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग्स तक के ऑप्शन आपको दिख जाते हैं इसमें। और अगर बात करें तो स्प्लैश प्रूफ है, और यहाँ पे क्विक चार्ज सपोर्ट का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। ओवरऑल इस फोन को कंप्लीट बनाता है इस प्राइस सेगमेंट में 4+64GB वाला जो वेरिएंट है, डिस्काउंट्स वगैरह लगा के आपको 10,500 तक में ये फोन मिल जाएगा। अब ये रहे 5 फोन्स जो कि बजट सेगमेंट में थे। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी यहाँ पे फोन पसंद है तो वहां पर मैं आपको 2-3 ऐसे फोन के और भी आपको बताता हूँ नाम। यहाँ पे एक और फोन है, अगर आपको फुल व्यू यहाँ पे पसंद है, पॉपअप कैमरा पसंद है, और अगर आप चाहते हैं कुछ डिफरेंट सा यहाँ पे कि आपको 10,000 तक में एक बढ़िया सा डिजाइन और यहाँ पे लुक वाला एक मोबाइल मिले, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे Infinix का S5 Pro। जी हाँ, Infinix का S5 Pro आप कंसीडर कर सकते हैं। Helio का P35 के प्रोसेसर के साथ ही आता है Infinix का S5 Pro, और यहाँ पे आपको पॉपअप कैमरा मिलता है। जी हाँ, पॉपअप कैमरा 10,000 रुपए के सेगमेंट में, और 4+64GB रैम का वेरिएंट मिलता है, फुल व्यू यहाँ पे डिस्प्ले है, कोई नॉच वगैरह कुछ भी नहीं है। वहीं अगर रियर कैमरा की बात करें तो फिर आपको 48+2 megapixel प्लस एक लो लाइट सेंसर भी आपको यहाँ पे दिया गया Infinix S5 Pro में, और फ्रंट में 16 megapixel का कैमरा। नंबर्स तो काफी बड़े हैं यहाँ पे Infinix S5 Pro में, बट मैं आपको यहाँ पे जो भी देता हूँ ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ, यहाँ पर कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं करेगा जो फिगर्स और नंबर्स यहाँ Infinix S5 Pro में आपको दिए गए हैं। ओवरऑल फोन डिजाइन वाइज काफी बढ़िया है, काफी अच्छा है, और उम्मीद करता हूं अभी तक तो आपने हमारे वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक करें। एक और यहाँ पे हैंडसेट है, उसकी अगर बात कर लेते हैं, अगर वीवो लवर्स हैं, वीवो का ब्रांड यहाँ खरीदना चाहते हैं, तो वीवो का U10 आप कंसिडर कर सकते हैं। ये भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर के साथ आता है, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3+64GB का आपको यहाँ पे रैम वाला वेरियंट दिख जाएगा। ये भी फोन यहाँ पे ठीक ठाक है प्राइसिंग के हिसाब से, अगर आप सोचते हैं कि यहाँ Infinix वगैरह हमें नहीं लेना है, Vivo में ही जाना है, तो इस फोन को आप कंसीडर कीजिए, काफी अच्छा फोन है। यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 665 का प्रोसेसर मिलता है, तो डेफिनेटली आपको परफॉर्मेंस और गेमिंग यहाँ पे एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिलने वाला है। एक और फोन यहाँ पे Flipkart पे अभी आज के टाइम पे आपको मिल जाएगा, फोन काफी पुराना है, लेकिन ट्रस्ट मी इस फोन का तोड़ अभी भी नहीं है। ये अपार्ट फ्रॉम 10,000 सेगमेंट है, ये सब कुछ जो हमने आपको अभी तक बताया 10,000 वाला निचोड़, इसके बाहर के सेगमेंट का है, ये उन लोगों के लिए जिनका बजट यहाँ पे ज्यादा है और चाहते हैं कि हम यहाँ पे महंगे वाले फीचर्स, महंगा वाला प्रोसेसर, महंगा वाला फोन आपको अगर बजट सेगमेंट में यहाँ पे चाहिए, और अगर आपका 20,000 तक का यहाँ पे है, ये सिर्फ एक सिंगल सा फोन है यहाँ पर है, तो इसे आप कंसीडर कीजिए। Mi Mix 2, जी हाँ, Mi Mix 2 आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ये फोन जबरदस्त है, 20,000 रुपए के कम प्राइस में अवेलेबल है, 6+128GB रैम का वेरिएंट मिलता है आपको, 835 का प्रोसेसर मिलता है। नो डाउट फोन पुराना है, सिंगल कैमरा है, आजकल क्वाड कैमरा के सेटअप्स चल रहे हैं, लेकिन अगर स्पेक वाइज देखने जाइएगा, डिजाइन वाइज देखने जाइएगा, डिस्प्ले वाइज देखने जाइएगा, तो ये फोन कहीं पर भी पीछे नहीं है। Mi Mix 2 मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेगा अगर 20,000 का आपका यहाँ पर है बजट, और उससे भी बड़ी चीज, और यहाँ अगर आप सोच रहे हैं 800 सीरीज वाले चिपसेट का मजा लेने के लिए, तो Mi Mix 2 मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेगा, आप डेफिनेटली इसे कंसीडर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे इस न्यू जर्नी में ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।